ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आफ्टर दिस पोएम, जो पोएम के बाद विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नेक्स्ट बुक, दैट इज योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द ट्रायंप ऑफ सर्जरी. ट्रायंप ऑफ सर्जरी एक्चुअली इट इज ए स्टोरी ऑफ वन डॉग, हिज मिस्ट्रेस एंड देयर वाज वन डॉक्टर, दैट इज हैरियट. ही इज अ वेट डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर होता है. And Tricky is the name of the dog. Or Tricky, उस dog का नाम है. And his mistress is very rich, बहुत ही rich थी. And she loved her dog like a son. अपने dog को बिल्कुल son की तरह वो मतलब treat करती थी. And he was leading a very this dog was leading a very comfortable, luxurious life. एक बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था. Because he had different type of bowls for different meals, timings and all. And different clothes for different weather. अलग अलग weather के लिए अलग अलग clothes थे. Breakfast, dinner and lunch separate bowl उसके लिए रखे हुए थे. And she used to feed him like a son. उसको अपने son की तरह. And she was actually overfeeding him. उसको overfeeding करती थी. And one day when they were going for a walk, एक दिन walk के लिए जा रहे थे. Mr. Harriet actually is a doctor. वो doctor था, vet doctor था. He saw that dog. उसने उस dog को देखा. What was the condition? उस dog की condition क्या थी? He was just like a rolling, rather you can say. He was not moving. He was just rolling on the dirt. And he was just like a sausage. एक जैसे pumpered type body was there. पूरी भरी हुई फूली body थी. And he was unable to move even the neck. उसकी गर्दन भी नहीं मुड़ पा रही थी. एंड द चेस्ट वॉज इट वॉज ब्रशिंग टू द ग्राउंड. उसकी जो चेस्ट थी उसको टच करती हुई जा रही थी. तो दैट क्वालिटी ऑफ डॉग, वो अलग डॉग की क्वालिटी होती है. वेरी शॉर्ट इन साइज, जो साइज में. बट ही वॉज ह्यूजली फैट. वो काफी बड़ा फैट था. वो बहुत ही फैट था. एंड ही वॉज अनेबल. मिस्टर हैरियट एक्चुअली ही गेव एडवाइस. उसने ही वॉज वेरी मच वरीड. उसने काफी चिंता हुई. ही गेव एडवाइस टू मिसिज पम्फ्रे. मिसिज पम्फ्रे जो उसकी मालकिन थी, उसको एक एडवाइस दिया टू कट हिज स्वीट थिंग्स. उसकी के स्वीट थिंग काट दो. एंड देन गिव हिम मोर एंड मोर एक्सरसाइज. उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज दे दो, जितनी भी दे सकते हो. देन इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, मिसिज पम्फ्रे, बिकॉज शी लव्ड हर डॉग टू मच. अपने डॉग को इतना प्यार करती थी. शी एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल दीज थिंग, आइसक्रीम, स्वीट थिंग्स एंड ऑल. वो सारी चीजें, मीठे का बहुत ही शौकीन था. एंड शी कुड नॉट रिफ्यूज हिम. वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती. दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम. एंड शी वॉज शी टोल्ड दैट हर सर्वेंट इज इज सिक. उसका जो सर्वेंट है वो सिक है, गार्डनर यू कैन से. एंड देर इज नो गेम प्लेइंग फॉर द डॉग्स. डॉग्स के लिए किसी तरह का रिंग थ्रोइंग एंड ऑल, दिस सॉर्ट ऑफ गेम वॉज नॉट देयर. बिल्कुल नहीं था. सो ही वॉज वरीड. शी वॉज वेरी मच वरीड. एंड वन डे वेन ही स्टार्टेड शोइंग, दैट डॉग स्टार्टेड शोइंग लेस एक्सर्शन. Less exertion means he was unable to act according to the rather than say hint and all. जो भी इशारा करती थी उसको वो कर नहीं पा रहा था. It means it was showing less enthusiasm. उसमें जो शक्ति थी, zeal and all, strength, it was less. Then she was worried. वो काफी चिंता हुई. She thought that it is because of the malnutrition. हो सकता malnutrition, कुपोषण का शिकार हो. मीन्स ही इज नॉट गिवन द प्रॉपर फूड एंड ऑल. डाइट उसकी प्रॉपर नहीं है. सो शी स्टार्टेड फीडिंग हर. उसको फीड करना शुरू कर दिया. इन बिटवीन मील ऑल्सो शी यूज टू गिव हिम थ्री टाइम मील, तीन टाइम मील भी देती थी. एंड शी स्टार्टेड गिविंग हिम हॉर्लिक्स, कोड लीवर ऑयल एंड ऑल दीज थिंग टू बूस्ट अप हिज एनर्जी, जिससे कि उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाए. एंड द कंडीशन वर्स्ट. उससे उसकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गई थी. एंड फाइनली शी मेड ए कॉल. उसने मिस्टर हैरियट, हुआ द वेट डॉक्टर, वेट डॉक्टर को उसने कॉल किया. एंड इवन वेट डॉक्टर दिस मिस्टर हैरियट, ही वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग द कॉल. वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वन डे, बिकॉज ही न्यू द नेचर ऑफ मिसिज पम्फ्रे. उसका नेचर जान गया था. एंड द लव एंड अफेक्शन बिटवीन दोज टू. उनका जो भी लव था, जितना भी वट एवर, शी यूज टू केयर टू मच. उसको ज्यादा केयर करे, ओवर केयर रादर कैन से, ओवर केयरिंग वुमेन. शी वॉज ए ओवर केयरिंग. उसको ज्यादा केयर करती थी. एंड दैट्स व्हाई ही वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल, कि वन डे कॉल विल बी देयर एंड सर्टेनली शी वुड कॉल मी. एंड नाउ ही डिसाइडेड व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी गिवन. उसको किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाए, ये ही वाज श्योर. एंड फाइनली द कॉल केम. और जैसे उसको कॉल आई, इमीडिएटली ही वेंट टू मिसिज पम्फ्रे हाउस. मिसिज पम्फ्रे के हाउस पर गया.
एंड शी ऑल्सो टोल्ड ऑन द टेलीफोन, उसको टेलीफोन पर बोल दिया था कि ही वॉज अनेबल टू मूव एंड ही डिड नॉट टेक एनीथिंग एंड ही हैड डन सम वोमिटिंग ऑल्सो, उसने कुछ वोमिटिंग एंड ही वॉज पांटिंग, हाँप रहा था, अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहा था. एंड then doctor came and immediately he told that it is to be hospitalized for 14 days 14 fortnightly 14 days ke liye usko hospitalize karna, hospital mein le jana, because he was sure that at home he cannot treat the dog, usko dog ko treatment nahi de sakta. Okay, then finally he took the dog into the car, usne car mein dala, and all the servant at this, there can be a scene, what was the scene, parting scene of the dog, the Tricky, when Tricky was being taken to the hospital, jab usko hospital le ja raha tha, what was the scene, actually all the servants and all, they were on their feet, bilkul, and they were trying to bring all the material of the ring throwing and all, games and this one, clothes, different type of clothes, bowls and everything, cushions, different type of cushions and all, ye sari cheeze uski gaadi mein dalna shuru kar diya. Actually Mr. Harriet, he hurried, usne jaldi ki, because otherwise whatever stuff they are bringing it will not be accommodated in the car, car mein wo bilkul nahi aayega, itna saman ho gaya tha, and he just put the this dog in onto the side of him, by the side of driver seat. And just he was lying on the rug, एक रग तंग कंबल के टुकड़े पर वो he was lying, उसके ऊपर पड़ा हुआ था, and he was not showing any enthusiasm, any movement, nothing, not in, he was not at all interested, बिल्कुल interested नहीं था. And finally Mr. Harriet ने बाद में मतलब finally he started off, वहाँ से start कर दिया. When he moved, actually Mrs. Pumphrey, because she loved too much her dog, अपने dog को इतना प्यार करती थी, she started wailing, उसने विलाप करना शुरू कर दिया था. And that was the bond of love between them, उनमें इतना मतलब एक प्यार का जो बंधन था, that was. And when he went to the surgery, जब वो surgery में गया doctor, he put the dog onto the rugs, उसके बाहर उसको निकाल के डाल दिया. And all the dogs in the surgery, जो surgery में dog थे जितने भी, they came and they saw the new, but they made a round around, उसके चारों तरफ एक round किया, and they just thought it was an uninteresting object, एक मतलब कोई interest, because he did not show any interest in the surrounding, उन dogs में भी या और कोई surrounding में भी कोई interest नहीं दिखाया उसने Tricky ने, and they considered him uninteresting object, उसको सोचा ये uninterested है, and they sniffed, उसको थोड़ा सूंघा and left him, और उसको छोड़ दिया. Now the treatment, वहाँ पर क्या treatment देना शुरू किया था doctor ने, and he knew the treatment, he had already decided, उसने पहले ही decide कर लिया था. Now for 2 days he did not give anything. उसको 2 दिन तक कुछ नहीं दिया except water, and he was kept on, in the under observation. पूरी observation में रखा गया उसको, 2 दिन तक कुछ भी नहीं दिया. Third day he started showing some interest in the surrounding. तीसरे दिन उसने थोड़ा सा surrounding में interest, मतलब he started moving here and there. थोड़ा सा, एंड ही स्टार्टेड स्निफिंग इन द surrounding, अपनी जो surrounding थी उसके चारों तरफ घूमना सूंघना शुरू किया. एंड then he started moving with the dog. Now third day actually he put the food with the all other surgery dog, jo bhi jitne surgery ke dog the, their bowels and all, these were put for the food, and he has to fight for his right. The first day he missed everything, usne he did not get anything, pehle us din usne kuch bhi nahi mila. And then what did he do, usne kya kiya, when all the dog, when there was a time for the food, food का जब time था, all the dog they rushed there and they were fighting for their right, अपने मतलब खाने के उसके लिए they were fighting and they were making their way, अपना रास्ता बना रहे थे. And but he could not go anywhere, वो कुछ भी नहीं. And finally when everything was finished, जब सारी finished हो गई थी, all the dogs and all everyone had gone down, वो सारे चले गए थे, and he saw just shining bowl, वहाँ पर वो चमकते हुए जो bowl बर्तन रखे हुए थे, that was visible. वो केवल वही थे, देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल ग्रेन, कोई भी एक दाना भी नहीं था उसमें फूड का. एंड देन ही सिंपली केम एंड जस्ट हैव ए लिक एंड वेंट अवे उस दिन. बट आफ्टर दैट ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज राइट, अपने राइट के लिए, अपने खाने के लिए, बिकॉज ही न्यू इफ ही इज लैगिंग बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, ही वुड नॉट गेट एनीथिंग, उसको कुछ भी वहां सब नहीं मिलेगा. दैट वॉज द कंडीशन. Now he started fighting for it, right? He started moving with the other dogs, दूसरे dogs के साथ उसने move करना शुरू कर दिया.
एंड फोर्थ डे एक्चुअली नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग फूड, उसने खाना वहां से शुरू कर दिया एंड नाउ ही स्टार्टेड मिक्सिंग अप विद द अदर डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ भी प्लेइंग देयर फ्रेंडली फाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग ही वाज इन्वॉल्वड एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी टू रोल हिम अप एंड डाउन, उसको रोल करने में वो दे वर एंजॉयिंग एंड ही वाज आल्सो एंजॉयिंग, ही वाज वेरी हैप्पी एक्चुअली. And sometimes there may be a question whether he was interested to go to his mistress house or not. कि क्या वो अपने mistress के मालकिन के घर में जाना चाहता है या नहीं. There can be both the answers. You can say negative, you can say in positive, affirmative. Affirmative, how you can say affirmatively? Positively कैसे कह सकते हो? Because all the creature on this world, they want freedom. Whereas he was chained there, he was kept in a house. But these things live in a natural habitat. Mm-hmm. They will be very happy. अपने जो natural जो प्रकृति ने हमें जो रहने की जगह दी है, we will be very happy in that only. उसमें ही खुश रहेंगे. And he was mixed up. He was playing with the dogs and all. And he has never enjoyed such a beautiful time. He had never observed. He had never rather can say sense such a beautiful time. इतना ब्यूटीफुल टाइम उसने कभी भी महसूस नहीं किया था. सो ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इन बिटवीन नाउ फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे शी यूज टू आस्क एटलीस्ट 12 टाइम्स ए डे, कम से कम भी दिन में 10-12 बार वो सुनती थी, उसमें 10-12 बार सुनती थी कि आप व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी की क्या कंडीशन है, सुनती रहती थी. And now she started giving some eggs and all so that it can build up the strength. He usko sometime because he had gone for the surgery and all surgery ke liye gaya hai aur usko yahan par zarurat hogi uski. And he went for the surgery ke liye. So it may be required. Ye sari cheezon ki zarurat hogi. That's why she started sending eggs. Jaise hi eggs bhejna shuru kiya, now the doctors they used to enjoy out. Because doctor he knew what is the real treatment for the tricky ke liye kya treatment hai, what is the requirement, eggs and all these are not required for tricky ke liye inki bilkul zarurat nahi. And finally the ceremonial their happy moment it started when she started sending even brandy for the dog, iske liye brandy and ye all she started sending, uske liye bhejna shuru kar diya. Now there can be a question. Mr. Harriet was a doctor. He wanted to keep this tricky as a permanent guest. वो उसको permanent guest रखना चाहता था because such a eggs, brandy and all beer they used to get means they used to enjoy with all these things lunch, dinner and breakfast. They are having a very good breakfast. All the other employees there, those who are working, his friends and all, they used to enjoy. There can be a question, why Mr. Harriet was tempted to keep Tricky a permanent guest? Usko a permanent guest rakhna kyun chahta tha? These were the reasons, because eggs, brandy and all, they used to enjoy. It means we can say that even he was not as rich as Mrs. Pumphrey. Itna rich nahi tha jitni Mrs. Pumphrey thi. And that's why he used to enjoy on this. Now after this one, now finally he gave a call. अब उसने एक कॉल दी उसको मिसेज पम्फ्रे को दैट योर डॉग इज रेडी इज वेरी हेल्दी एंड रेडी टू कलेक्ट, बहुत ही ठीक हो गया आपका डॉग एंड इट इज रेडी यू कैन कम. इमीडिएटली मिसेज पम्फ्रे जल्दी ही मिसेज पम्फ्रे ने ब्लैक शाइनिंग कार, एक बहुत ही अच्छी शाइनिंग चमकती हुई कार में वहां पर आ गई एंड मिस्टर हैरियट टोल्ड ओके आई विल ब्रिंग दैट डॉग, मैं डॉग को ले आता हूँ. ही वेंट इन साइड ब्रॉट दैट डॉग, उसको ले आया डॉग को वो. And he was when he saw the first of all sometimes he was fearing whether the dog is healthy or not, whether he is well or not. Matlab she was totally worried about that. Uski chinta thi because he was not sure about the wording of the doctor ki jo bhi wording thi, whatever he used to give the information about the condition of the dog ki condition mein jo bhi batate the wo usko vishwas nahi ho raha tha because that problem he was there. But when he saw when the dog saw his mistress, the dog ne apni mistress ko dekha, he made a jump from the doctor's lap. Doctor ke usne jo leke aa raha tha, uski god mein se he made a jump. Usne ek jump kiya and landed in the lap of this Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey ki lap mein god mein jaakar wo land kiya and she was able to save him herself. Apne aap ko wo bacha payi because of that.
एंड इट मीन शी वॉज टोटली सरप्राइज टू सी द कंडीशन ऑफ डॉग. इस डॉग की कंडीशन को देख के वो काफी सरप्राइज हो गई थी और शी वॉज मतलब हर टीयर्स हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स और उसकी टीयर्स से भरी हुई थी. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड बोथ वर ट्राइंग टू मतलब हग ईच अदर एक दूसरे को हग कर रहे थे. एंड नाउ शी स्टार्टेड मूविंग एंड वेन शी मूव्ड एक्चुअली एट दैट टाइम शी टोल्ड इट वॉज ए ट्रायंप ऑफ सर्जरी. सर्जरी का मतलब सम ऑपरेशन एंड ऑल. इट वॉज ए ट्रायंप. ट्रायंप मीन्स विक्ट्री. ये उसकी आपकी सर्जरी की विक्ट्री है. इट मीन्स यू हैव ट्रीटेड माई डॉग. यू हैव ट्रीटेड माई डॉग. ही वॉज माई डॉग ट्रिकी वॉज हैविंग ए ग्रेट प्रॉब्लम का बिल्कुल से. बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ही न्यू द ट्रीटमेंट. लेकिन वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट जानता था. ओके नाउ दिस इज द चैप्टर. ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक. आई थिंक एवरीबडी विल बी हैविंग बुक. हर किसी के पास बुक होगी. यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज. आप फर्स्ट पेज खोल सकते हो. ओके फर्स्ट पेज ट्रायंप ऑफ सर्जरी. ट्रायंप ऑफ सर्जरी. ओके ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ओके आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं ट्रिकी के बारे में इस बार बहुत ही वरीड थी. आई हैड पुल्ड अप माई कार. मैंने अपनी कार when I saw him in the street. I had pulled up my car. मैं अपनी कार में था जब मैंने saw him in the street with his mistress. उस mistress के साथ. Actually the doctor is telling. डॉक्टर बता रहा कि मैंने मिस्ट्रेस उसकी मालकिन के साथ उसको देखा. आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. उसके जो अपीयरेंस जो व्हाटएवर द फिजिकल कंडीशन ऑफ द डॉग वाज देयर. ही वाज टोटली सरप्राइज्ड. द डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट. एंड ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. बहुत ज्यादा फैट. ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड स्वोलन. ब्लॉटेड स्वोलन फूल जाना. सॉसेज जस्ट लाइक ए रबड़ एंड रबड़ की तरह ट्यूब की तरह. एंड लेग्स एट ईच कॉर्नर. जिसके चारों कॉर्नर पर कोई लेग्स हो. And his eye bloodshot. Uski jo eyes thi was bloodshot. Totally red. Red ho gayi thi. And the rheumy. Rheumy it is one sort of disease. Ek disease hoti hai. Where the discharging of water from eyes, nose and everywhere. Just like a cold effect. Jaise cold effect. Stared straight. Aur wo seedha dekh raha tha. It means he was such a huge fatly. He was unable to move the neck like sideways. Sideways bhi nahi ghuma pa raha tha. His tongue lolled from his jaws. और उसके जबड़ों से उसकी जो टंग थी जीभ थी इट वॉज लॉल. लॉल मीन्स लटके हुए थी. इट वॉज लाइंग आउटसाइड. इट मीन्स नॉर्मली द डॉग व्हेन दे आर टेकिंग आउट देयर टंग्स आउटसाइड इट मीन्स दे वांट टू टेक अ दे आर फीलिंग वेरी हीट. दे आर फीलिंग हीट एंड दे वांटेड टू कूल देमसेल्व्स. अपने आप को ठंडा करने के लिए हीट महसूस करते हैं. दैट्स व्हाई मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन. उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया. ही वॉज सो लिस्टलेस. He was so listless. बोलता ये बहुत ही listless, uneasiness, बेचैन महसूस कर रहा था. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. ऐसा लगता है कि इसमें एनर्जी नहीं है. Actually, Mrs. Pumphrey is explaining to doctor and he is talking about the dog. Dog के बारे में. He thought that he must be suffering from malnutrition. उसने सोचा कि I thought that he must be suffering from malnutrition. Malnutrition, कुपोषण, not proper food, balanced diet. Because of lack of balance, right? He's suffering from that. So I have been giving him all extra, some little extra between the meals to build him up. Isko build up karne ke liye. Build up means to gain the energy. Dubara energy gain karne ke liye. She started feeding something in between the meals. Meals ke beech mein kuch feed karna shuru kar diya. And some malt, what were the things she used to give? Malt, cod liver oil and the bowl of Horlicks at night. To make him sleep in at night, bowl of Horlicks usko dena shuru kar diya so that he could get good sleep. Jisse ki uthe achhi nahi. Nothing much really. Bolta aur kuch nahi dete. Means what else is required now? Ab aur kya chahiye usko? And did you cut down the sweet things as I told you? Doctor now asked. Ki kya maine aapko bola tha you don't give him or cut the sweet things for him? Uske liye jo sweet thing thi, unko kaat lo. Kya aapne unko cut kiya tha? Unko band kiya tha? Oh, I did for a bit. थोड़ी देर के लिए तो किया. बट ही सीम टू बी सो वीक. मुझे इतना वीक नजर आने लगा. आई हैड टू बी वैलेंट. वैलेंट मीन्स इसको कंटिन्यू करना पड़ा. कंटिन्यू. एंड ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. क्योंकि उसको क्रीम केक और चॉकलेट्स बहुत पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. और आई कांट टॉलरेट मीन्स आई कांट रिफ्यूज हिम. मैं उसको मना ही नहीं कर पाता.
I looked down again at the little dog, again the Mr. Harriet doctor, the vet doctor, and that was the trouble. उसने देखा और उसने कहा that was the trouble. यही problem है. Tricky's only fault was greed. मतलब he was very greedy of food. Food का greed. Any time, any hour of the day, if food is given to him, he would take. अगर उसको कोई भी खाना कभी भी दे दो उठा के, he would eat something. That he was so much greedy of food. इतना food का greedy था. And he had never been known to refuse food. कभी ऐसा नहीं सुना कि उसने खाने से मना किया. He would tackle a meal at any hour of the day or night. दिन और रात किसी भी time उसको खाना दे दो, he would tackle. उसके साथ वो खा लेगा. I wondered about all the things Mrs. Pompey hadn't mentioned. And I wondered, he was surprised that these are the things only mentioned by Mrs. Pompey. And there may be many things which she had not mentioned. तो बहुत सी चीजें हैं अभी उसने mention नहीं की होंगी. Are you giving plenty of exercise? क्या आप इसको plenty of exercise दे रहे हो? And well, he has a little walks with me, as you can see. उसने कहा ठीक है बस थोड़ी सी walk हो जाती है, as you can see. But Hodgkin, the gardener, जो उसका Hodgkin gardener है, had been down with the lubengo. Lubengo, it is one sort of disease. वो disease से बीमार है. And there has been no ring throwing lately. और काफी दिन से ring throwing, it is a one sort of exercise for the dog or games for the dog. It is not being done. उसके साथ वो नहीं हो रहा है. I try to sound severe. Severe means very seriously. I try to advise her. उसको advice देने की कोशिश की. And now I really mean this. अब इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ, it means you have to observe the advice very strictly. If you don't cut this food right down. अब ठीक अभी से अगर आप इसका खाना बंद नहीं करेंगे, give him more exercise, और अगर more exercise नहीं देंगे, he is going to be really ill. वास्तव में ये बीमार हो जाएगा. You must harden your heart. अपने अपने हार्ट को मतलब सख्त करना है, because love and cares. Okay, we must keep in mind what is good and what is bad for the particular person, or you can say animal. Keep him on a very strict diet, और आपको इसको strict diet पर रखना है. Mrs. Pompey wrung her hands, wrung her hand, अपने हाथ उसने twist किए. Oh, I'll, Mr. Harriet, उसने कहा, I'll try to do whatever you are saying, I'll try to follow that one, Mr. Harriet, मैं वो कोशिश करूंगी. I'm sure you are right, और मुझे sure है आप सही कह रहे हो, but it is so difficult, very difficult, लेकिन ये मेरे लिए बहुत difficult है, मुश्किल है. She set off, और इस तरह वो चल दी. Head down, नीचे head करके, along the road as if determined to put the new reason into the practice immediately. और इस तरह चलती नीचे गर्दन करके जैसे new reason, reason means order and all. She wanted to start. It means she wanted to follow the advice given by Mr. Harriet. Mr. Harriet ने जो advice दिया था, she's ready to accept that one and she's ready to start put into practice. उसकी सारी advice, whatever he has given, जो भी उसने दी है, she's ready. I watched their progress with growing concern. मैंने उनकी progress को growing concern, very full of anxiety, worry, चिंता से. Tricky was tottering along his little tweed coat. अपने coat में tottering means moving slowly without energy. And he had a whole wardrobe of these coats. और coat पहने हुए था, whole wardrobe. Wardrobe means almira type, where the all these clothes are kept. उसकी पूरा almira भरी हुई थी. Of the cold weather के लिए raincoat, for the wet days और rainy season के लिए raincoat, and he struggled on, और वो dropping into the harness whatever the rope it was tied, तो उसपे tied थी, he was dropping, उसके ऊपर मतलब drop कर रहा था, drop का मतलब he was taking sport of that, it means he was having a lack of energy, was unable to move properly, and I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pompey. And now doctor thought that Mrs. Pompey would certainly going to call me within very short time. बिल्कुल थोड़े से समय में ही वो आने वाली थी. Because he knew the condition of the dog and the nature of Mrs. Pompey. Mrs. Pompey का nature जानता था. The expected call came from within a few days. और थोड़े दिनों में ही expected call आई. Mrs. Pompey was distraught. वो काफी distraught, troubled, दुखी थी. Tricky would eat nothing. कि कुछ भी नहीं खा रहा था एंड रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश और उसने अपनी फेवरेट डिश रिफ्यूज कर दी थी एंड बिसाइड्स
और अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा एंड ही हैड बीन बाउट ऑफ वोमिटिंग, बाउट वन और टू अटैक्स ऑफ वोमिटिंग, उसके ऊपर एक दो बार वोमिटिंग की एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, पॉन्टिंग, लाइंग ऑन द रग, रग पर पड़ा हुआ, मैट्रेस एंड ऑल पीस ऑफ मैट्रेस उस पर पड़ा हुआ, पॉन्टिंग, पॉन्टिंग का मतलब हांफना, अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक से सांस नहीं ले रहा, didn't want to go for a walk, walk के लिए भी नहीं जाना चाहता, and didn't want to do anything, और कोई भी चीज नहीं करना चाहता, कोई भी चीज नहीं करना चाहता. Okay, up to here only we will study today. We have read and you please go through this one and write down the difficult word meaning. Whatever word meaning, I'll send at the end when the chapter is over. I'll send the word meaning. Okay, thank you. Yes, sir. Hello, sir. Chapter is over. My class is over, sir.